की कार कार हाँ, उन्हें नहीं बताया। क्या नहीं बताया? आपकी बेटी को दूल्हे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए हम बहुत दूर निकल गए। ओह शॉकिंग, अब उन्हें कुछ मत बताना। इसीलिए हमने आपको नहीं बताया पापा। वो मुझे पापा क्यों कह रहा है? अम्मू के पापा मेरे पापा हैं। सही है पापा। अम्मू जल्दी आओ, अभी के लिए हो सके तो हमेशा के लिए आ जाओ। अम्मू गुरुवार, हेलो सर, आप कैसे हैं? क्या ये जुबली हिल्स रोड नंबर 36 है? जी सर। तब आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ काम करता हूँ। क्या काम? उन्होंने अभी मुझे कोई पोजीशन नहीं दी है, अभी के लिए बस मैं इंटरनेट पर लड़कियों की तस्वीरें ब्राउज करता हूँ। आप यहाँ क्या लेकर आए हो? मैं मिस्टर रामचंद्र से मिलने आया हूँ। जो भी हो आप मुझे बता सकते हैं सर। मैं एक बच्चे के साथ इस पर चर्चा नहीं कर सकता। आयुक्त मुझसे जानना चाहते हैं कि क्या मिस्टर रामचंद्र को सुरक्षा की जरूरत है? उन्हें सुरक्षा की जरूरत नहीं है जब तक मैं आसपास हूं सर। सुनो, मैं अकेला आर्मी जैसा हूं। उनकी सुरक्षा के बारे में डिसाइड करने वाले आप कौन हैं? पास आना। क्या? हार्ड है। मैं रामचंद्र का असली बेटा हूं। ये सच है सर, मैं रामचंद्र का बेटा हूँ, मुझे तेरी कसम। हेलो अफसर। हेलो। और ये कौन है? वे 25 साल से उसे अपना बेटा मान रहे हैं। 25 साल से? आपको कब पता चला? हाल ही में। तुमसे किसने कहा? एक नर्स ने मुझे बताया। नर्स और वो आदमी खंभे के पीछे छुप गया। उन्होंने उसे मेरे साथ बदल दिया, मुझे एक मिडिल क्लास फैमिली में डाल दिया और मुझे उसके साथ बदल दिया, जिससे वो अमीर फैमिली का वारिस बन गया। किसने कहा? उसने आपको कब बताया? हाल ही में। उसने 25 साल पहले आपको क्यों नहीं बताया? क्योंकि वो कोमा में थी। उसने आपको अब क्यों बताया? क्योंकि वो कोमा से बाहर आ गई है। उसने आपको इस बारे में बताया? वो दुनिया भर में सबको क्यों बताएगी? उसे मिस्टर रामचंद्र को बताना चाहिए था ना। वो उसे बताने वाली। अब उसने उसे क्यों नहीं बताया? क्योंकि वो बताने से पहले मर गई। ओहो, चाय पियोगे? नहीं, मुझे विस्की चाहिए। विस्की? मैं शाम में ड्यूटी के बाद पीता हूँ। अच्छा, मदद करो मेरे भाई। क्या किसी और को इसके बारे में पता है? किसी को नहीं पता सर, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मैं अपनी कुर्बानी दे दूंगा। अगर इतनी कुर्बानी दे रहे हो तो इस घर में क्यों आए? मेरे घर की देखभाल और कौन करेगा सर? बंटू की, डैडी मुझे मार देंगे, मुझे तुरंत ऑफिस जाना पड़ेगा। मैं तुम्हें शाम को मिलती हूँ। सॉरी बेबी। ये यहाँ क्या कर रही है? उसकी मंगेतर। हाँ, पर वो पप्पी तुम्हें क्यों? क्योंकि हम प्रेम में हैं। क्या वो ये जानता है? चलो सर, अगर उसे पता होता तो वो उसकी शादी क्यों करता? कम से कम रामचंद्र तो ये जानता है। हम उन्हें बताने वाले थे कि कुछ भयंकर हो गया। उई, नॉटी बॉय। हाँ, वो कौन है? उसकी भतीजी। वो तुम्हें क्यों टटोल रही है? पता नहीं सर, मैंने जब से यहाँ ज्वाइन किया वो मेरे साथ फ्लर्ट करती रहती है, कभी चपत लगा देती है। अच्छा, तो आप इस घर की सारी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करते हैं और उसे इसकी परवाह नहीं? मैं अब और ये सब नहीं देख सकता, मैं जाता हूँ। मॉर्निंग ऑफिसर बंटू। मॉर्निंग सर। सर, क्या आप जिन्हें जॉब पर रखते हैं क्या उनका बैकग्राउंड चेक करते हैं? हाँ, हम चेक करते हैं। फिर उसे क्यों रखा? ये तुम क्या कहना चाहते हो? अगर इस पूरे घर में किसी के पास कॉमन सेंस है, इंटेलिजेंस है, वो यही है। बहुत बढ़िया। महाप्रभु, मेरा आपसे कोई मतलब नहीं था। ये भगवान कैसा रहा सर? भयानक था। मुझे लगता है कि सारे अमीर लोग बहुत बुद्धिमान होते।